वीडियो गेम्स एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म अभी लिखी जा रही है। इनके कई लेख रोजाना विभिन्न पत्रिकाओं में भी छपते रहते हैं। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विषय के एक सशक्त कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने हाल ही में चिनशुरा में डच के औपनिवेशिक अवस्थापन पर प्रबंध तैयार किया है। हिंदी में इनके लिए व्याख्यान देना कठिन अवश्य होगा, पर वे हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़े गर्व एवं खुशी की बात है। इनके कई पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं और वे अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरणादायी भी हैं। An Assassin Across Narratives, Reading Assassin's Creed from Video Game to Novel, Video Games in India, Sherlock Holmes Reloaded, Holmes Video Games and Multiplicity, Ethical Conflict in Video Games जैसे कई प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखे हैं। शौविक सर बहुत से संस्थाओं के सदस्य भी हैं, जैसे बोर्ड मेंबर ऑफ डिजिटल गेम्स रिसर्च एसोसिएशन, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर ऑफ जर्नल ऑफ गेमिंग एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स, रिव्यू बोर्ड मेंबर ऑफ गेम स्टडीज। इनके अध्ययन का विषय साहित्य जगत में अत्यंत असामान्य है। डिजिटल खेलों के कई अच्छे एवं बुरे पहलू हैं जिससे सामान्य लोग अवगत नहीं हैं। आज हम इनसे इस विषय पर सविस्तार जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। हमारा इनसे निवेदन है कि वे अपने इस विषय पर एक आलेख प्रस्तुत करें, ये हमें इस विषय को लेकर आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देंगे। अब हम सर से आग्रह करते हैं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब इतना अच्छा और इतना जो जिसके क्या कहते हैं, इट्स वेरी काइंड इंट्रोडक्शन, ऑल टू काइंड। मैं इस बात थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ कि मैंने प्रिपेयर नहीं था कि इतना काइंड इंट्रोडक्शन मुझे मिलेगा। सो आई एम वेरी फ्लैटर्ड, बहुत बहुत खुश हूँ कि आप लोग और हिंदी विभाग के शिक्षकों, छात्रों और देवियों सज्जनों, सबसे बहुत आभारी हूँ कि ये मौका, ये सौभाग्य मुझे मिला है कि आपसे मेरा एक बहुत प्रिय विषय है उसके बारे में बात करूँ। इसके पहले मैंने इस विषय के बारे में रटगर्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फिर एबर्ट यूनिवर्सिटी, इन तीनों जगह में बात किया, पहले इस विषय में वक्तृता रखा था। मगर ये मेरा फाइनल वर्शन है मेरा पेपर का, ये छपने वाला है। मगर इसके बारे में भारतवर्ष में और कलकत्ता में स्पेशली प्रेसिडेंसी जो मेरा यूनिवर्सिटी है, मैं अपना विषय के बारे में कभी कोई लेक्चर नहीं दिया। और ये तो मेरे लिए बहुत एक बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसके बारे में थोड़ा बोल सकूं। और ये आप बहुत बहुत काइंडली आपने मुझे मेरा जो डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ पे बताया कि मैं डिजिटल गेम्स के बारे में काम करता हूँ, वो तो एकदम सही है। कोई कहते हैं कि मैं काम नहीं ज़्यादा खेलता हूँ, मगर मैं आप यकीन कीजिए कि वो सही नहीं है, मैं काम भी करता हूँ। मगर हाँ, तो मगर मैं आज डिजिटल गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं शायद दो स्लाइड्स है मगर उसको भी स्किप कर सकता हूँ। मेरा मुख्य विषय आज जो है वो डिजिटल गेम्स नहीं है, वो हमारा देश का, और ये कोई मेक इन इंडिया और ये कोई प्रयास का भी पार्ट नहीं है, मगर ये हमारा देश का जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ खेल है जिसको ऋषि जी ने बहुत काइंडली ट्रांसलेट किया है, जो बोर्ड गेम्स चित्रपट खेल, बोर्ड गेम्स का मैं चित्रपट खेल, बोर्ड गेम्स, ये टर्म्स ऑल्टरनेट करते जाऊँगे, तो आप काइंडली, और मेरा हिंदी का जो, मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, तो जो त्रुटि है वो आप क्षमा कीजिएगा, मेहरबानी करके। मगर जो खेल के बारे में मैं बोलते जा रहा हूँ वो शायद लोग भूल चुका है, और इसी का ही मेरा बहुत खेद है कि भूल चुका है। और इसमें जो जो एडुकेशन, जो शिक्षा मूलक जो जो वार्ता है, जो मैसेज है, वो भी भूल चुका है। और मैं इस टॉक का नाम दिया है कि प्लेइंग गेम्स विद कर्मा, इंडियन गो बोर्ड गेम्स एज अ कॉमेंट्री ऑन लाइफ। अगर आपको कोई प्रश्न हो और कोई वर्ड और कुछ टर्म
क्लियर ना हो तो आप मुझे बस बीच में पूछ लीजिए, मैं और मैं ये श्योर हूँ कि आप आपका शिक्षक को भी मुझे थोड़ा सहायता। तो देखिए, मैं जो गेम के बारे में बोलना चाहता हूँ इसका नाम है ज्ञान चौपाल, मगर मैं ज्ञान चौपाल में थोड़ा बाद में आ रहा हूँ। ये है बेगमपुर एक गांव है, इसका सड़क पे ये चार बंदा और दो तीन और लोग गेम खेल रहा है, इसको कहते हैं चौपाल। आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा चौपाल। तो ये एक टाइम में ये बहुत कॉमन था इंडिया में, कलकत्ता में भी लोग खेलते थे, इसको पाशा कहते थे। और अगर आप थोड़ा सा गांव के साइड में जाओगे तो अगर ये गेम अगर आपको नज़र में आए तो ये बहुत तरह तरह के आवाज़ करते हैं, ऐसे करके फेंकता है ऐसे। हाँ, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर ये गेम के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ। इस गेम के को अंग्रेजी में कहते हैं द डिवाइन गेम ऑफ डाइस, जो शिवा और पार्वती ने खेला, उसके बाद सारा दुनिया का मतलब शुरू हुआ ये डाइस गेम। तो ये मैंने एक बार बसोली पेंटिंग का एक निदर्शन दिया इधर पे। और आपको शायद मालूम होंगे, अगर आप फतेहपुर सिटी में विजिट किया तो अकबर शाह ने उनका सभा का जो महिला हाथ था उनको लेके ये गेम खेलते थे। तो इंस्टेड ऑफ मतलब ये जो गोटी है ना, ये गोटी के चला मतलब वो महिला उत्तरा होते थे और वो मूव करते थे लाइटा इसका। ये है वो बोर्ड अकबर शाह पर, आप तो देख सकते इसका तरह तरह का बोर्ड्स है। मगर इसका एक बात है, मैं ऐसे माइक बहुत लोग मेरा जीवन का छात्र है तो ये जो होता है कि देखिए ये गेम का विशेषता है कि गेम दिस इज अ डाइस गेम, ये चांस का गेम है। आप जो फेंकेंगे तो जो डाइस में उसमें जो नंबर आएगा उसके, मगर इसमें और भी बहुत सोच है कि ये डाइस गेम अपना जीवन का निर्धारण डाइस गेम करता है। हाँ, अपना जीवन क्यों, मतलब सारा दुनिया का शुरू और दुनिया का जो चलना रोज रोज का जो होता है वो भी ये डाइस गेम करता है। ये एक फिलोसॉफिकल ये दार्शनिक पॉइंट है, मैं इसमें थोड़ा बात। तो मैंने शुरू किया ये चौपाल नामक एक गेम के बारे में। तो एक आप शायद चौपाल गेम देखा नहीं होगा, मैं एक एग्जाम्पल बोर्ड लाया हूँ, आप देख सकते हैं। आज तो शायद मौका नहीं होगा खेलने का आपके साथ, शायद और कोई टाइम में। तो आप लोग इसको फोटो जैसे जान इसका और ऐसे कैसे डाइस देता है और ऐसे आशा है कि शायद इसको देख के आप भी आपका खुद का चौपाल का बोर्ड लेके खेलना शुरू करेंगे। रूल्स थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने ये डाइस के बारे में बोला एक कारण है, मैं उस कारण के थ्रू बाद में बता। तो दिस इज चौपाल, मगर मैं चौपाल के बारे में नहीं बात। आपको ये गेम क्या कहते हैं, साथ सुनी। तो अभी इस गेम में आप कोई इस गेम जो आप देख रहे हैं, इस गेम में कोई पिक्यूलियरिटी, कोई अद्भुत कुछ देख रहे हैं इस बोर्ड में, बताइए। आप तो साफ साफ नहीं खेला है लक, इस बोर्ड में क्या मतलब कुछ अद्भुत है। सीढ़ी बहुत अजीब दिया है, ठीक है। अगर सीढ़ी नॉर्मल होता है सीढ़ी अगर जैसे तब और भी कुछ है इस बोर्ड में, कुछ विशेषता है इस बोर्ड का। 100 तक नहीं है जी, एकदम नंबर है 72 तक।
अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये गेम तो पहले अभी तो कहा जाता है इसको सांप सीढ़ी बोलता है। सांप सीढ़ी आया है स्नेक्स एंड लैडर्स का ट्रांसलेशन। स्नेक्स एंड लैडर्स अमेरिकन को कहते हैं इसको, शूट्स एंड लैडर्स उसमें अमेरिका में सारे स्नेक्स नहीं मिलता वो पैराशूट्स शूट्स एंड लैडर्स शूट्स एंड रॉकेट्स। मगर ये जो गेम है ये अमेरिका से भी नहीं है, ये इंग्लैंड से भी नहीं है। ये गेम इंडिया से क्या है, इंग्लैंड में ब्रिटिश टाइम 1890s में क्या है, मैं अभी भी इसको ट्रेस करना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बता रहा हूँ कैसे गया है। मगर ये इंडिया से क्या है, इसको पहले ये गेम ऐसा दिखता था और इसका 72 स्क्वायर्स का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, ये नॉर्मली हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में ही होता, ठीक है? आपको दिख रहा है जन्म माया क्रोध अंतरिक्ष, देन ये ऊपर में देखिए ब्रह्मलोक विष्णुलोक वैकुंठ, राइट? हाँ, तो इसमें इस गेम में थोड़ा सा अजीब सा चीज है। इस गेम का एम रेस नहीं है, यू आर नॉट रेसिंग अगेंस्ट एनीबडी। इस गेम आप सांप सीढ़ी किसके साथ खेलते हो, कोई दोस्त पोस्त किसी के साथ खेलता? इस गेम को नॉर्मली वो पहले हम लोग खेला है, अगर दो तीन लोग खेले तो कोई बात नहीं, मगर एम था किसी से जीतने का नहीं, ठीक है? विनिंग वॉज नेवर द एम, किसी को छोड़ के जीतना ये रेसिंग कार जैसा कुछ गेम नहीं था। गेम था ऐसा गेम जिसमें अपना खुद का जो फेट है, जो भविष्य है, जो कर्म है, उसके बारे में जानकारी पता करना, ठीक है? तो ये खेलते खेलते आपको वो शिक्षा मिल जाता कि क्या करने के बाद क्या फल होता और क्या कर्म क्या क्या फल होता, और ये भी कि कर्म भी बहुत ही रैंडम चीज है, तो उसके बारे में और भी थोड़ा। तो पहले तो आपको साथ थोड़ा सा गेम खेल के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने एक सांप सीढ़ी का मैं गलत बोला, ज्ञान चौपाल का बोल रहा है। इस गेम का और भी नाम होता है, मोक्ष पाठ होता है, ज्ञानबाजी और भी, ज्ञानबाजी, ज्ञान चौपाल, मोक्ष पाठ। तो मैं ये गेम का बोर्ड में इधर रखता हूँ और एक चीज आपको और भी दिखाना। फिर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का पर्व खत्म, नो गेम्स, बट इसके बाद मैं ये बोर्ड देख देती हूँ, आप देख लीजिए। तो इस बोर्ड में पहले जो है कि आपको पहले जो आप है, आपको सब प्लेयर्स वैकुंठ में, और आप वैकुंठ से बोर्ड के मतलब जो एक जो जन्म है इसमें नहीं आ पाएंगे अगर आप साथ नहीं फेंके, इस डाइस से साथ नहीं फेंके, नहीं इस डाइस से नहीं, इस डाइस से साथ नहीं फेंके। तो आपको साथ वो करी है, कौड़ी 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 कौड़ी, तो ये साथ है मेरे पास। अगर आप देखिए मैं चार अभी एक जो ऐसा साइड में होता है ये एक काउंट होता है, एक दो तीन मैंने देखा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि सब कौड़ी ऐसे ही गिरे, तो डाइस में जीरो नहीं होता है, डाइस में मिनिमम होता है वन और मैक्सिमम जो काउंट होता है इसमें जीरो नहीं। अगर आपको जीरो आप जीरो फेंकते जाए और अगर आप सात नहीं फेंके तो आप गेम में भी एंटर नहीं करेंगे। तो कार्मिक साइकिल जो है हमारा, अभी इंडिया में मेनली इंडिक ट्रेडिशंस जो हिंदू बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन, उसमें हम लोग कर्म और पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, तो जन्म नहीं क्यों नहीं, आपको कॉस्मिक प्लेन में जब आप खेलना शुरू करेंगे तो ऐसे मूव करते करते डिफरेंट, ये जो बहुत बहुत अलग सा प्लेन्स है, और ये एक 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 स्क्वायर दूसरा स्क्वायर के साथ कनेक्टेड है,
जो एक्शन आप कमिट करेंगे या जो जो कर्म आप करेंगे उसके फल आपको, और ये गेम खत्म होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि देखिए आप 100 नहीं है, 100 तक जाना नहीं है, आप 72 में जाके, अगर आप 72 में पहुंचे फिर और भी एक साल है, तो आपको सीधा पृथ्वी में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस बोर्ड से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे और फिर देखिए ऊपर में इसमें दुर्बुद्धि है, थोड़ा सा दुर्बुद्धि से आप एकदम सीधा बॉटम में क्रोध से पहुंच जाए। तो ये जो डिजाइन क्या है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मतलब रेस नहीं है, किसी से जीतने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसी के जीतने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि खेलो और खुद के बारे में जानो और खुद का क्या भविष्य होगा वो भी अंदाज़ करो। तो ये था ज्ञान चौपाल। तो अभी ये पार्थिव साहब ने इसके बारे में पहले बार लिख रहा है 1910 में, और जो बोल रहा है वो कि इट वाज प्रेजेंटेड टू द सोसाइटी बाय कैप्टन रॉबर्टसन ऑन अप्रैल 1831, डिस्क्राइब्ड एज अ कलर्ड ड्राइंग ऑन प्लान ऑफ शास्त्रीज गेम ऑफ हेवन एंड हेल। तो कोई व्यक्ति है शास्त्री, उसका एक चेस का भी बहुत बढ़िया मैनुअल है, उन्होंने ये मतलब ये ब्रिटिश कैप्टन को ये दिया था, ये उसका नाम दिया था द गेम ऑफ हेवन एंड हेल, और ये थोड़ा सा नेचुरल है क्योंकि क्रिश्चियन के लिए हेवन एंड हेल देयर वेरी काइंड ऑफ लाइक नॉर्मल। सो अभी वो बोल रहा है कि द आइवरी मैन एंड डाइस यूज्ड इन प्लेइंग द गेम एट द सेम टाइम आर नॉट टू बी फाउंड। सो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से सुन रहा, और इसका जो एडेप्टेशन हो रहा है, पहले जो इंग्लैंड में जा रहा है, ये अमेरिका से है, रॉचेस्टर म्यूजियम ऑफ प्लेस। मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ फिर इसमें आता हूँ। तो आप देखिए जब वो इंग्लैंड में जाता है, हाँ, ये गेम का ये बॉक्सेस में जैसे ज्ञान चौपाल में भी लिखा हुआ है कुछ क्वालिटीज, रिस्पेक्ट अदर्स एंड यू विल गेन रिस्पेक्ट, वेट लिप और परसिवियरेंस, डिस्ट्रक्टिवनेस, ऐसे कुछ चीजें दिया हुआ है। तो ये गेम भी आपको एक कहानी कहने का बोल रहा है, मगर तो इसका एक थोड़ा सा अलग है ज्ञान चौपाल से, क्योंकि ये गेम एंड करता है 100 में, और इसका मकसद है इन लोगों जैसा बनना, विल्बरफोर्स, लिविंगस्टोन, जेम्स वॉट का नाम आप सुनाया होगा, वॉशिंगटन, लूथर, इन लोग जैसा बनना। तो ये गेम है, इसके गेम हमारे जैसा मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंडिंग है कि सांप खुद का टेल खा लेता है, मतलब ये ऐसे घूमता रहता है, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, एक टाइम में एंड होता है, और इसका एक रेस है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है, ये रेस गेम है, कैसे जल्दी इन लोग जैसा बन सकता। मगर पहले जब ये गेम गया था इंग्लैंड में, तब इसका चेहरा ऐसा था और ऐसा था, इसको गेम ऑफ लाइफ भी कहा जाता था। अभी तो आपने देखा कि जैसे सांप सीढ़ी है वैसे बन गया, पूरा जो एजुकेशनल जो चीज़ें था इसमें सब रिमूव कर दिया और इसको एक चाइल्डिश रेस गेम बना। तो इस गेम के बारे में बहुत लोग बोला है पहले, मगर मतलब 1975 के बाद ही अमन गोपाल सुरेखा ने इसके बारे में काम करना शुरू किया। सुरेखा जी एक बिजनेस में है कलकत्ता में, वो एक गेम्स फुल खेल कर एक कंपनी बनाया है, इस गेम की मैन्युफैक्चर करते हैं। मगर इनको क्या करना है आप देखिए, द बोर्ड विल लीड अस टू कर्मा, ड्यूटी टू आवरसेल्फ टू अक्वायर नॉलेज, टू बी हम्बल, अनसेल्फिश, एटसेट्रा।
इट विल टीच अस आवर ड्यूटी टू ओबे आवर एल्डर्स, मतलब ये कह रहा है कि ये बोर्ड हम लोग को ठीक कर्मा में लीड करेगा और पहुंचा देगा इस गेम का खेलने के बाद। ये सोमानी साहब जो कहता है कि हम लोग अच्छा मतलब इंसान बनेंगे, और हरीश जोहरी कहता है कि ये गेम खेलने के बाद योगा और वेदांति और सांख्य फिलोसफी जो दर्शन है उसका जो शिक्षा है उसको अच्छा से बता सकता है। और ये भी सोमानी भी ऐसे ऐसे ही करता है, कहता है कि मतलब ये मतलब दर्शन का और वेद वेदांत का जो मार्ग है ये सिखाएगा। तो जनरली जो कहा जाता है, और ये हरीश जोहरी ने जो बुक लिखा है उसको नाम दिया है द योगा ऑफ स्लीप एंड लैंग्वेज, ताकि ये खेल योगा जैसा है। मगर ये थोड़ा सा हमारा जो इंडियन जो रिप्रेजेंटेशन है, और सुरेखा जी में ऐसे बोलता है प्लीज दिस गेम टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद डिवाइन विजडम कंटेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ योगा वेदांत एंड सांख्य। सो अभी जो इंडियन इंटरप्रिटेशन है वो इस गेम को योगा जैसा और वेद वेदांत जैसा एक मतलब दिखाना चाहिए। अभी इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए थोड़ा जो वेस्टर्न डेफिनेशन है इसके। अभी वेस्ट में भी बहुत मतलब इंडियन यूएस में भी बहुत यूरोप में बहुत इसके चर्चा हुआ, बहुत थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। तो ये कहता है डेविड कार्लेट ये बोर्ड गेम्स के हिस्ट्री में कहता है द एंशिएंट ओरिजिनल नोन फ्रॉम इंडिया नेपाल एंड तिब्बत ऑपरेटिंग इन वैष्णवाई हिंदू जैन एंड मुस्लिम वर्जन्स इज नोन इन हिंदी एज ज्ञान चौपाल द चौपाल ऑफ नॉलेज एंड नेपाली एज नागापासा नागापासा स्नेक टाइस। इट इज वन ऑफ मॉरल इंस्ट्रक्शन विच द प्लेयर परसूज अ सॉर्ट ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम द लोअर लेवल्स एसोसिएटेड विद द अर्थली वाइसेस डिजायर्स टू द हायर eventually reaching Vishnu and Nirvana। तो इसमें जो description है ये जैसा एक pilgrim का progress है, मतलब ये जो परिभ्रमण जो जो तीर्थ जाती है उनका progress उनका जाता है। So अच्छाई से मतलब बुराई से अच्छाई तक straight line। इंडिया में जो रिसर्च किया पहले वो इसको कहता है योगा का एक मतलब रिप्रेजेंटेशन। इन लोगों ने जो वेस्टर्न जो रिप्रेजेंटेशन ये कहता है इसको कि एक स्ट्रेट लाइन बुराई के अच्छाई बुराई से अच्छाई में जा रहा है। टॉप्सफील्ड भी वैसे ही कहता है कि बोथ इस गेम का जैन हिंदू सूफी सब वर्सन्स है, और ये भी बोलता है कि दस पिलग्रिम लाइक ईच प्लेयर प्रोग्रेसेस फिटफुली फ्रॉम स्टेट्स ऑफ वाइस इल्यूशन कार्मिक इंप्रिजनमेंट at the base of the playing area to ever higher states of virtue spiritual advancement। मतलब कि मोह माया और खराबी और जो मतलब लोअर जो कार्मिक जो चीजें हैं उससे आप ये गेम खेलने के बाद आप हायर स्टेट्स ऑफ वर्च्यू मतलब अच्छाई फिर तक पहुंचना आपका एक है। ये भी इसको ये पिलग्रिम का तीर्थ यात्री का जो प्रोग्रेस ऐसा दिखा। फिर और एक जो अभी बहुत रिसेंटली 2013 में एक रिसर्च किया है याकोब श्मिट मैनसन, ये कोपेनहेगन में एक बोर्ड है उसको ये बोर्ड मिला तो ये रिसर्च किया। तो ये कहते हैं कि द टर्म्स शुड बी रेड इन रिलेशन नॉट ओनली टू ईच अदर बट देयर पोजीशन ऑन द बोर्ड द जनरल सेंस बीइंग द लोअर स्क्वायर्स डील विद लोअर स्टेट्स ऑफ बी व्हाइल हायर स्क्वायर्स डील विद हायर स्टेट्स ऑफ बी इन एसोसिएशन। The winner is the first player to reach the designated winning square, which is usually the central square of the top row. So, आप इसमें भी देखिए कि ऊपर में लिखा एकदम first लिखा है ज्ञान चौपर is essentially a race game. It is played by two or more players on a grid representing a 64 square board, commonly associated with chess, etc. इसमें भी आप देखिए कि ये जो मैक्सन जो स्मिथ मैक्सन जो बोल रहा है कि वो बोल रहा है देखिए एक रेस गेम है और इसका एम है इसका मकसद है आप नीचे से ऊपर तक पहुंचे और वो मिडिल जो स्क्वायर है वहां तक पहुंचे। तो जो दो किस्म का डिस्क्रिप्शन, एक इंडियन जो इसको कहता है कि योगा जैसा है ये बहुत मतलब ये खेलने के बाद आप मॉरली बहुत अच्छा आदमी बन जाओ। दूसरा एक है वो भी कहता है मॉरली आप अच्छा आदमी बन जाओ
ये क्रिश्चियन मतलब प्रोग्रेस जैसा है, आप बुराई से करोगे और ये खेल के आपका मकसद है अच्छाई। मगर हकीकत है कि कर्मा और दूसरों का कर्मा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए कि ये है ये मोक्ष पार बोध मराठी में, अगर इसको केयरफुली देखिए ये बोर्ड को, ये बोर्ड के साथ आप अगर जो दूसरा पिक्चर मैंने दिखाया, दूसरा जो चित्र मैंने दिखाया, इसको जो स्क्वायर्स अगर केयरफुली आप देखिए, आप देखेंगे कि दोनों जो मतलब जो लिखा है इसमें ये अलग है, इसका शिक्षक थोड़ा सा अलग है। शुरू होता है जन्म से, फिर उसके बाद नरक आ जाता है। और इसमें देखिए आप जन्म, फिर उसके बाद माया आता है। तो इस बोर्ड को यूज किया जा रहा है, जो इसको जो जहाँ से ये बोर्ड मिल रहा है, मतलब ये तो महाराष्ट्र से मिल रहा है, संत ज्ञानेश्वर का जो टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, उसको इसमें इसमें अडॉप्ट कर लिया है। फिर और एक बोर्ड देखिए, ये है आप, ये जैन बोर्ड है और इसमें चित्र थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें जो लिखा है वो भी थोड़ा सा अलग जैसा है। और ये गुजरात राजस्थान से और एक बोर्ड है, ये भी एक जैन बोर्ड है। और इधर पे आप देखिए सांप का जो अरेंजमेंट और सीढ़ी का जो अरेंजमेंट वो भी थोड़ा सा अलग है। और ये एक पहाड़ी स्टाइल का बोर्ड है, इसमें 342 स्क्वायर्स है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी ज्यादा हो जा रहा है, 72 होता है, 108 होता है, 342 होता है। तो ये वैष्णव गेम है, आप देखिए उसमें कृष्ण जी का लीला ऊपर दिखा रहा है। तो ये वैष्णव गेम है, जो वैष्णव है उनको शिक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मतलब जैन और दूसरा है। और ये एक सूफी बोर्ड है, ये ऑक्सफोर्ड से मिला है, एस्मोलिन म्यूजियम का, और किसी ने इसको एक ऑनलाइन गेम भी बनाया है, आप जिस गूगल कीजिए सूफी ज्ञान चौपाल और मिल जाएगा ये बोर्ड, आप खेल सकते हैं। तो और एक गेम है जो जिसको हम लोग बंगला में कहते हैं गुलूम थाप, तो मैंने ये भी ज्ञान चौपाल का एडाप्टेशन है, मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं आप बांग्ला पढ़ सकते कि नहीं, मैं पढ़ के तो इसको रामकृष्ण देव ने कहा था कि उनका पूरा कथामृत में जो शिक्षा है वो एक गुलूम थाप का गेम खेलने से उसको आपको मिल सकता है। तो इधर पे कथामृत में जो एक लिखा है पेज 603, इसमें मैं पढ़ के सुना रहा, অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক আর আর সব ভুল, আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে, কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়তো একটুর জন্য আটকে গেল, পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলক ধাম খেলায় অনেকে এগিয়ে এসে পোয়া ঘটি আর পড়লো না। তো মুঝে পতা নেই আপু বাংলা হিন্দি মে থোড়া জানতে চেতা, তো বহুত লোক সোচতা হ্যায় কি হম লোক জো সোচতে হো ঠিক হ্যায় আর দূসরা কা সোচ গলত হ্যায়, আপ জিতা হ্যায় দূসরা নে হারা হ্যায়। मगर ये गुलूम थाप खेल का जैसा है कि बहुत आगे चल गया मगर इसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए जो 100 स्क्वायर का आप मिक्सल लेवल्स खेलता है उससे, ऐसा नहीं होगा ना, आप 100 नहीं पहुंचेंगे। मगर ये मोक्षा पार्ट और गुलूम थाप और ये ज्ञान चौपाट इसमें आपने बहुत आगे चल गया है, मगर फिर भी आपको 72 स्क्वायर क्रॉस करके फिर खत्म, आप फिर आप साइकिल, ये ठाकुर रामकृष्ण ने कहा है। फिर अब वहाँ पे भी और भी लिखा है, देखिए मतलब कथामृत में और भी मतलब एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, और इधर भी एक खेलने का वो नियम भी दिया हुआ है, वो तो आप लोग को पता ही है, वो सांप सीढ़ी जैसा खेला जाता है। तो ये गोलक धाम का पूरा बोर्ड है, मैंने थोड़ा ट्रांसलेट किया है तो आपको दिखा रहा हूँ। ये गोलक धाम में ये होता है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन रहता है। तो ये जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज क्लास किया हुआ मेरे साथ, ये हाइपर टेक्स्ट जैसा है,
मतलब ये जब वेबसाइट में जो हाइपरलिंक होता है ना, आप ये लिंक क्लिक करो तो वहाँ जाओ, दूसरा लिंक क्लिक करो तो दूसरा जगह जाओ। इसमें भी आप देखिए, दो फेक किए तो आप 44 में जाएंगे, तीन तो चार में। ऐसा इसका जो हाइपर टेक्सचुअलिटी जो है, ये डाइस से किया हुआ है क्या हुआ, और ये डाइस नहीं है, मैंने पहले कहा ये काउरीशल है, ये काउरी है। तो इसको चार से आपको पूरा इसमें बोर्ड में मूवमेंट। और ये बोर्ड में बहुत बहुत सारे मतलब फिजिकल जगह का नाम है, जियोग्राफिकल जगह का नाम है, जैसे खांडव वन वन, भुवनेश्वर, दंडकारण्य, ये और कुछ कुछ कर्म की भी बारे में बताया गया है, लाइक युद्ध क्रीड़ा जिसका मतलब है प्लेइंग डाइस, फिर शौर्य काल जिसका मतलब है जहाँ पे वो जो दारू पीने का जो ये बार ऐसे, तो अगर आप शौर्य काल में पहुँचे तो सीधा पतन साथ में, तो साथ में हेल्थ, सो द स्ट्रेट रिजल्ट ऑफ लिक्विड ड्रिंकिंग इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू दिस गेम। एंड और अगर आप एक नहीं फेंके तो आप इधर से बाहर भी नहीं होते, तो ऐसे भी और वो बहुत सारे इसमें शिक्षा दिया हुआ है, जिसके लिए आपको मिथोलॉजी के बारे में भी पता बताना चाहिए, और फिर जो फिलोसफी है इसके बारे में भी आपको पता चाहिए। और ये बहुत केयरफुली ऑर्गेनाइज किया है, और सिर्फ गोलकधाम नहीं, और भी जो गेम्स है, ये है आपका जिसको कहते हैं तिब्बतन गेम ऑफ लिबरेशन, ये नेपाल में तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग खेलते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत मिलेगा, जो थांका होता है थांका में पेंट करता है, एक्चुअली ये दिखता है ऐसे, मगर मेरे ख्याल में आप भी तिब्बतन नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता, तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें देखिए, इस गेम का भी और इंटरेस्टिंग है कि स्टार्ट करता है हेमली हाईवे में, फिर इसका दो तीन तरह से खेलने का तरीका है, एक है सूत्रा और दूसरा है तंत्रा। अगर आप सूत्रा की तरह से खेलो तो आपको आप दूसरे एक मतलब दूसरा स्क्वायर्स में पहुंचोगे, बेसिस सब एक है, मगर उसके बाद आप सूत्रा स्टाइल में खेल सकते हैं, आप तंत्रा भी खेल सकते हैं। और ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो महायाना बुद्धिज्म है उसका जो दो भाग है उसको भी बोर्ड रिप्रेजेंट। तो इफेक्टिवली एक गेम ठीक से खेलना और डीपली इंटरेस्ट से खेलने से बाद आपको खेलने के बाद आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा कि ये बुद्धिस्ट नोशन ऑफ कर्मा या हिंदू नोशन ऑफ कर्मा या जैन नोशन ऑफ कर्मा क्या है ऐसे। तो मैंने इसको ये टॉपिक थोड़ा छोटा, तो अभी देखिए जो हमारा जो वीडियो गेम्स में और गेम्स में सब एक कॉन्सेप्ट है, और अगर आप कोई बीटल्स का गाना भी सुना होगा इंस्टेंट कार्मा, कार्मा जो वेस्टर्न जो हॉलीवुड में जिसे आप सीखते हैं, यू लॉस्ट कार्मा, आप कुछ किया तो आपको कार्मा मिला या खो गया, आप कार्मा खो गया। तो इंस्टेंट कार्मा तो हमारा जो इंडिक ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन फिलोसफी में इंस्टेंट कार्मा नहीं होता है, अगर होता भी है तो हमें मालूम नहीं। तो जनार्दन बनेरी बहुत ही मशहूर फिलोसोफर है, ये कहता है कि लेट मी बी क्लियर, द आइडिया इज ऑफ कर्मा इज दैट एवरी ह्यूमन एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, बट इट इज नॉट एट दिस एट ऑल द क्लेम दैट एवरी ह्यूमन एक्शन इज इटसेल्फ अ कॉन्सिक्वेंस। इसको थोड़ा सा सोचिए कि जो भी आपको कर्मा है, जो भी एक्शंस है, उसका एक फल होता है, मगर सब जो होता है आपको, जो भी एक्शन आप करते हैं, वो खुद फल नहीं है, उसका फल होता है, मगर वो खुद फल नहीं भी हो सकता है। सो द एसेंस ऑफ द थियरी इज सिंपली दैट वन्स लाइफ विल बी बेटर इफ वन एक्ट्स इन वेज दैट आर एथिकल, इट विल बी वर्स इफ वन एक्ट्स इन वेज दैट आर अनएथिकल। तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको लाइफ अच्छा होगा, और आप एथिकल काम करोगे आप ठीक काम करोगे, और आप गलत काम करोगे तो आपका लाइफ मतलब ख़राब हो। ये मतलब कर्मा का मूल कॉन्सेप्ट है, मगर इसमें
ये भी नहीं है कि अपना जो पास्ट डीड्स है, अपना जो भूतपूर्व जो काम है, आप जो किया है, क्रिया है, उसके उसके ही फल आपको फ्यूचर को, आपको भविष्य का जो फल होगा, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. सो पास्ट इज डजंट डायरेक्टली लीड टू द प्रेजेंट. दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. इट इज नेवर, ये कभी इंस्टेंट कर्मा नहीं है. हाँ, मतलब आप सोचिए कि अभी मैंने ये डायरेक्ट लेके किसी को ऐसे फेंका किसी पे, इसमें मेरा बहुत खराब कुछ हो सकता है, क्योंकि और दूसरे लोग भी हैं जिसके साथ मेरा कर्मा जुड़ा हुआ है, मेरा पूर्वज भी है, मेरा आसपास का लोग है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसा भी हो सकता कुछ भी नहीं हो. तो ये कार्मिक जो नोशन इतना सिंपल नहीं है, और ये इंस्टेंस तो एकदम नहीं है. तो यही गणेशी साथ ही बोल रहा है. और बुद्धिज्म में एक ही साइड था इसमें ना, ये एक मिलिंद पन्हा एक बुक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. इसमें राजा मिलिंद मेनांडर नागासेना नाम एक ऋषि को पूछता है ये प्रश्न. तो नागासेना सॉरी मिलिंद पूछता है कि आप तो इतना बड़ा ऋषि है, तो कर्मा कहाँ पर दिखाई जाए, कर्मा को लोकेशन मुझे बताइए. तो ये ऋषि कहता है कि आप जो पेड़ फल प्रोड्यूस नहीं किया है उसका फ्रूट आप दिखा सकते हैं. तो राजा बोलता है नहीं. तो बोलता है अगर जो पेड़ फल प्रोड्यूस नहीं किया है आप ये कह सकता कि वो पेड़ फल प्रोड्यूस करेगा. बोलता है हाँ. तो कहता है ऐसा ही है कर्मा, कि ये जो कर्म है इसको एकदम पॉइंट इसको लोकेशन पॉइंट हम नहीं कर सकता, मगर हमें मालूम है कि ये फल कहाँ है वो हमारे लिए बोलना असंभव. तो यही देखिए, तो नागासेना का इलस्ट्रेशन सीम्स टू बी दैट वंस डन दीज कंटिन्यू टू एक्सिस्ट ओनली थ्रू देयर पोटेंशियल समहाउ टू मॉडिफाई द ब्यूटी ऑफ लाइफ. जब एक 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 काम आपने खत्म किया और एक कुछ किया आपने, उसका एक पोटेंशियल संभावना रहता है कि जीवन का जो कंटिन्यूटी जो मूवमेंट उसको चेंज करना, उसको बदलाना. और ऐसा नहीं है कि एक कर्म से और दूसरा हमें कन्वर्ट हो जाएगा, मगर कर्म ऐसा मतलब शैडो मतलब छाया जैसा है, सॉरी शैडो छाया जैसा है जो हम लोग जो जिसके बगैर हम लोग रह नहीं सकता, मगर जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है वो हमारे साथ साथ ही है. मतलब वो कहाँ पे आएगा, कहाँ कैसे मूव करेगा, वो डिटरमाइन नहीं, वो मतलब ठीक से बोला नहीं जा सकता. सो ये इतना मैं शायद इसमें ही इसको थोड़ा सा और इसका एक मतलब ये कुछ फीचर शेयर करता है. There's a theory of karma. Karma है जो past actions से जो पूर्व actions के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ पुनर्जन्म भी connected है. और finally जो aim है कि निर्वाणा में. तो मतलब ये कार्मिक जो cycle है इससे निकल जाता है. So सब लोग संसार में जो जुड़े हुए हैं. और तो फिर ये गेम ऐसा है, अगर ये कार्मिक साइकिल है, ये गेम का मकसद जीतना नहीं है. ये गेम का मकसद क्या है आपको ये? गेम का मकसद गेम खेलना बंद होना है, स्टॉप प्लेइंग द गेम, ये गेम से बाहर जाना, यही मकसद है. अगर आप ब्रेकिंग में स्वच्छ है तो आप गेम से बाहर, एंड दैट इज योर ऑब्जेक्टिव.
जैसा हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि ये लाइफ का रीच है, भविष्य जाना तो हमारा ठीक ही है, वो एक ऑब्जेक्टिव तो है ही ठीक है, उसमें से हम लोग को एजुकेशन मिल रहा है कैसे जीवन जीना है ये वो, मगर फाइनल जो एकदम अंतिम मकसद है उसके बाद इंसानियत से हीरो पर आपको तो शायद पता ही है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना खुद का जो जो पुनर्जन्म जो अलग अलग जो जन्म था उसको उसके बारे में उसको ये याद था, और इसीलिए वो आपको जो जातक टेल्स है जो जातक का कहानी है वहाँ से आता है। हमें शायद अगर आप सुना केला देखा होगा तो वो मुकुल दर उसका मतलब पुनर्जन्म का याद जो आता था, मगर हमें तो नहीं आता है, तो पैरेलल पास्ट लाइफ हम लोग को याद नहीं आता है, मगर ये थ्योरी भी कार्मिक थ्योरी भी पैरेलल पास्ट लाइफ तो है, बहुत सारे लाइफ है, और ये हमें मालूम नहीं है, मगर ये हमारा कार्मिक एक्सिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो अभी ये वीडियो गेम्स में भी आप ये सब देख सकते हैं कि ये प्रिंस ऑफ पर्शिया जो गेम है इसमें देख सकते हैं कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम एक जगह से शुरू होकर एक जगह से खत्म नहीं होता है, इस बोर्ड में जैसा शुरू हुआ है ये जर्नी में, मगर ये खेलते खेलते इतना बार आपको मतलब लाइफ और आपका टाइम बहुत बहुत बार आ जाएगा, बहुत बहुत सारे लाइफ आ जाएंगे इस एक बोर्ड में, जैसे वैसे ही वीडियो गेम में भी ऐसे ही बोल रहा है अभी, क्योंकि जैसा जो साक्षरी का गेम था ये हैबिट में खत्म होता है, ये तो खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही चलता, खत्म होगा जब आप गेम से बाहर जाओगे। तो और आप अभी अगर आप जो नया जो वीडियो गेम था उसके बारे में उसके एक फिल्म निकला है वो असैसिन्स क्रीड, जहाँ पे ये कैरेक्टर का पुनर्जन्म के बारे में याद कर उसको याद है, तो वो दो तीन जन्म एक साथ जी सकता है, तो ये सब तो अभी जो वेस्टर्न मीडिया में अभी हो रहा है, मगर मेरा जो पॉइंट है और अभी भी ये भी आपको शायद पता होगा कि अभी लोग यूएस में यूरोप में अमेरिका में कह रहा है कि ये चीज़ के बारे में गेमिफिकेशन मतलब गेम्स लेके लाइफ और मैनेजमेंट ये वो सब में लाइफ का जो चीज़ है जो सीरियस चीज़ है उसके साथ गेम्स को जोड़ दो तो इंटरेस्टिंग करो, तो ये सब है, मगर ये ज्ञान चौपर ऐसा है कि ये भी लाइफ को गेमीफाई कर रहा है, अगर ये गेमिफिकेशन है तो ये तो बहुत बहुत मतलब हजारों साल पहले ये सब करके दिखाया है, और ये भी अगर हम लोग कह रहा है कि टाइम लीनियर नहीं है टाइम नॉन लीनियर है, तो हमारा काम ही जो थ्योरी है ये तो पहले ही ये बोला है, और ऐसा गेम जैसा मतलब ज्ञान चौपर ये धाम ये सब गेम पहले ही बोल रहा है हमारा जो कार्मिक जो ऑल्टरनेट लाइफ हो सकता है ऑल्टरनेट बर्थ हो सकता है इसके बारे में बोला है। तो टॉपस्पिट साहब जो बोलता है मैं जस्ट इसके इसको बोल के एंड करना हूँ, सो व्हेन प्लेइंग ज्ञान चौपर इज इट बाय चांस और लक दैट वी विन, वेल यस सिंस इट्स ओनली अ गेम unless of course it is believed that quasi divinatory karmic forces determine the fall of the dice and thus the outcome of the game. Even so, the implicit message is an encouraging one. Eventually the game will end, the goal will be attained. Through the right effort or devotion, karma is expunged, the ego transcended, ignorance vanquished. Snakes and ladders as mere manifestations of maya will fall away. Moksha or salvation will be won. So, top speed jo kehna hai iska matlab ye hai कि देखिए ये जब ज्ञान चौपर खेल रहा है हम लोग क्या चांस और लक इससे जीत रहा है, बस जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ये कह रहा है unless of course it is believed that quasi divinatory karmic forces determine the fall of the dice, मतलब जो खेलता है वो ये कार्मिक फोर्सेस में उसको यकीन करता है, वो सोचता है कि ये भी यही मतलब ये कुछ कारमा है जो गेम को ऐसा आप जो जैसे खेल रहा है वैसा खेला जा रहा है, कुछ फोर्सेस है इसीलिए खेला जा रहा है। फिर
स्किप का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये सिखाना कि कौन सा एक्शन से क्या धार्मिक रिजल्ट हो सकता है, क्या शिक्षा मिलता है बोल सकता है, और गेम का अल्टीमेट अंतिम जो मकसद है ये सिखाना है कि लाइफ का गेम जब तभी ख़त्म हो जाता है जब माया रिमूव हो जाता है, माया हट जाता है और मोक्ष और साधन। तो अभी ये अभी हमारा गवर्नमेंट का एक ज्ञान चौपा नहीं है, ये स्नेक्स एंड लैडर्स का बोर्ड, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है मुझे पता है, मतलब शिक्षा ब्लू कुछ लिखा था इसमें, रैंडम एक फोटो लिया था। मगर मेरा तो जो पॉइंट है कि देखिए अभी अभी बहुत सारे सेंचुरी पहले जो सिखाया गया था उसके उसके अभी भी हमारा कोई मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है उसमें उसमें मतलब अवेयरनेस बहुत कम है और उसके बारे में लोग सोचता भी नहीं है। और ऐसा गेम्स के मतलब इंडियन जो मतलब हमारा देश का जो खेल है उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा करना ही चाहिए। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है गेमिफिकेशन ऑल्टरनेटिव टाइम के, वो हमारा फिलोसफी में और हमारा गेम में भी है। मैंने ऐसे कहना नहीं करना चाहता हूँ कि वो पहले क्या और मतलब पहला क्या, इसका अलग ये विषय अलग है, मगर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए तो और आप लोग सब ज्ञान चौपा खेल देखिए कैसा आपका कार्मिक कैसा एक्सिस्टेंस होता है, और अगर आप बैकुंठ में पहुँचते हैं या और कहीं। अमेरिका में एक लिखा, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मगर
बोर्ड गेम्स देखिए, एक मेरा थियरी है और इसमें थोड़ा पर्सनल एनेक्डोट बोलना पड़ेगा। मैं जब छोटा सा क्रिकेट खेलने जाता था 4 बजे और 6 बजे जन्मभूमि सीरियल होता था, उसका एक जन्मभूमि ऐसा एक सुनाई देता था और मेरा मम्मी ने मुझे जब वो सुनाई देगा घर में चलाओ, घर में चलता चलाओ और फिर पढ़ाई सुन लो, ठीक है। और पोल्यूशन ही होता था तभी पढ़ाई करना पड़ता था। तो एक वर्क कल्चर और प्ले, वर्क और प्ले इसमें खेल और मतलब पढ़ाई इसमें एक एक बहुत विभेद है जो लगाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने शायद आपके सामने ये लेक्चर ये बोल रहा हूँ कि देखिए जो ऐसे एक खेल जिसको हम कहते हैं उससे पहले हमारा पोल्यूशन है उससे शिक्षा अर्जन करता। हाँ, तो ये जो मतलब डिविशन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अगर आप बोलेंगे कि हम लोग एक खेल के बारे में चर्चा करें तो ये एक मेंटल जो ब्लॉक तो आ ही जाता है। फिर दूसरा चीज़ है, देखिए ये सब बोर्ड जो ये नहीं मगर ये सब बोर्ड का लोकेशन कहाँ आप देखिए, हाँ ये सब है, ये तो है जी, ये है मतलब ब्रिटिश म्यूजियम में, ये मैंने बहुत बहुत कष्ट करके वो रामकृष्ण मिशन से निकलवाया, फिर ये है एस्मो ऑक्सफोर्ड में, ये है ब्रिटिश म्यूजियम में, ये विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूजियम में, अरे सब तो गोरा ही लेके चला गया। तो दिल्ली में नेशनल मतलब जो म्यूजियम है उसमें एक बोर्ड है जैन बोर्ड है और वो इतना ऐसा खराब लाइटिंग है कि आई चैलेंज यू टेक अ गुड फोटो ऑफ दिस। हमारा म्यूजियम के अभी बजट में मैंने देखा 1% एक्सपेंडिचर होता है ताजमहल और तमाम जो म्यूजियम है इंडिया में उसके पीछे। हाँ, तो हमारा ऐसा कंजर्वेशन का और कोई जानता भी नहीं। आपको कोई पता था कि ज्ञान चोपड़ा स्नेक सलाइन उसका ओरिजिन? नहीं पता था ना, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा अरे स्नेक सलाइनर्स ये तो बहुत कॉमन गेम है मगर इसका ओरिजिन है इंडिया में और वो वहाँ के लिए लेके गया, फिर उसको नाम और वक्त बनाया स्नेक सलाइनर्स शूट सलाइनर्स, फिर अभी हम लोग उसको नाम देता क्या सांप सीढ़ी। हिंदी में अभी स्नेक से लेवल ही मतलब वर्ड हो गया है, ज्ञान चौपड़ कोई नहीं करता इसको। तो देखिए ऐसा पूरा चेंज हो गया और इसको एक कल्चरल भी दिस इज आल्सो अभी ये शिफ्ट में देखता हूँ इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन से क्रिश्चियन रिलीजियस ट्रेडिशन जहाँ पे और वेस्टर्न ट्रेडिशन जहाँ पे आपको कार्मिक जो जिसमें गेम खत्म नहीं होता है। हाँ, इसमें ये चेंज हो गया रेस गेम में यू विन सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन। और ऊपर में दोनों में सर रिलेशन थोड़ा कम दिखता है, क्या है अधिक दिखता है, कैसे दिखता है? अच्छा, ये तो थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट है थोड़ा क्वेश्चन क्योंकि ये देखिए जो ये सुरेखा जी का जो इसलिए कि आपने सर इसका शायद हिंदी दिखाया उसको वहाँ का अहंकार था यहाँ पे माया था। तो हाँ देखिए ये अहंकार है पीछे माया है। अच्छा, तो सर ये अहंकार और माया जो है ना दोनों एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करते हैं जहाँ तक मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन नहीं आपको मैं तो ये एक एग्जाम्पल दिखा क्योंकि सर एक इसी जो बोर्ड है ये बोर्ड मेरे पास भी है और ये बोर्ड मैन्युफैक्चर किया है राहुल गोपाल सुरेखा जी और उनका थोड़ा सा सोच और है वो भी फिलोसफी में कुछ सोचा और तो ये ट्रांसलेशन वो ही क्या है ठीक है मगर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड बहुत किस्म का है तो जैन बोर्ड है बुद्धिस्ट बोर्ड है वैष्णव बोर्ड है
डिवेटन जो बोल रहे हैं, और इसमें जो स्क्वायर्स भी चेंज होता है और इसका फिलोसफी के मुताबिक ये जो रिलेशन सब बनाता है। सर जैसे अभी वीडियो गेम्स में बच्चे जो खेलते हैं या हम लोग टी वी में देखते हैं गेम से लेके कार्टून तक, इसमें कोई रिलीजियस अभी वीडियो गेम ऐसे नए ट्रेंड में आ रहे हैं? देखिए बहुत वीडियो गेम्स में जी आपको रिलीजियस कुछ अंडरटोन्स तो मिलेगा ही, तो यूजुअली क्रिश्चियन अंडरटोन्स मिलेगा। हिंदी हिंदी को ऐसे अभी अभी देखिए इंडिया में जो वीडियो गेम्स जो बन रहा है, पहले तो बहुत शायद आप तो खेला हो मगर मुझे पता नहीं है सर कोई वीडियो गेम जिसमें देखिए कोई रिलीजियस कनेक्शन, क्योंकि ऐसे भी होता है कि रिलीजियस रिलीजन तो एक मतलब कंट्रोवर्शियल थीम है, तो इसके बाद एक तो गेम बनाना एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद गेम क्या मैसेज देगा और क्या कुछ कम्युनिटी और इसीलिए शायद नहीं बनता है, मगर मगर वेस्टर्न गेम्स में बहुत सारे गेम्स में रिलीजियस हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले सौभिक जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद ट्रू सेंस में इसलिए कि आपने एक ऐसे विषय को एकेडमिया के सामने रखा है जो विषय खेल के तौर पर लिया जाता रहा है, लेकिन दरअसल इस खेल में ये पूरा हमारा जीवन चक्र, बल्कि यह पूरा जीवन लोक और विचार लोक, हमारे जीवन का जो साइकिल है और जो पूरा थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज है, और बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ एक आध चीज़ों की तरफ, आपने तो इस पर रिसर्च किया है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो खास तरह की सीढ़ी है जिसे हम सीढ़ी अगर कहें तो भक्ति वाली सीढ़ी हमें बैकुंठ लोक में ले जा रही है, और आप ध्यान दें तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी है दया की, वो हमें ब्रह्मलोक में ले जा रही है। मैं देख रहा हूं कि स्वान जो है या सांस जो है, प्राण और सांस दोनों है, और ये आनंद लोक में है। हमारे यहाँ कामायनी में आनंद लोक की चर्चा है, ब्रह्मलोक हमारे यहाँ कबीर के यहाँ आता है बैकुंठ की बात, और गीता का जो है गीता का ज्ञान योग, गीता का कर्म योग और गीता का भक्ति योग। मुझे लगता है कि शायद यह जो बनाया गया है और इसके भीतर महज साहित्य ही नहीं दर्शन, बल्कि दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारी जीवन जीने की ये 72 वर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पहले उम्र सीमा शायद यही मानी गई थी, इसीलिए ये 72 है। जन्म से शुरू होकर ये जो 72 तक हम जा रहे हैं, और उसमें जो हमारे यहाँ रजोगुण तमोगुण ये तमाम जो गुण माने गए हैं, आप देखें नीचे से भूलोक से लेकर और धीरे धीरे हम जो पहुंच रहे हैं महालोक, महालोक में पहुंचते हैं, फिर है तप लोक है, सत्य लोक है और बैकुंठ लोक है, और आप देखें कि ये एक मैंने देखा दान जो है आपको महालोक में पहुंचाता है, और जो प्रश्न किया अभी जयप्रकाश जी ने, मुझे लगता है उसका संबंध है। आप देखिए अहंकार का सांप माया के पास आपको, यानी आप जब तक माया में रहेंगे या आप अहंकार आपके भीतर रहेगा आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, बल्कि अहंकार आपको बहुत नीचे ले जाएगा। जितना लंबा सांप है, मैं बैठे बैठे यही देख रहा था कि सबसे बड़े बड़े सांप कौन से हैं शायद, तो आप देखें अहंकार का सांप बहुत बड़ा है, आप देखें दुर्बुद्धि का सांप जो है वो और भी बड़ा है, और वहां आप नीचे भी देखें दोनों में कोरिलेशन बन रहा है, उधर दुर्बुद्धि है और इधर लोभ है,
मैं देख रहा था अविद्या का सांप जो है और नीचे काम है, ये एक संबंध बन रहा है पूरी तरह से। आप देखें कुसंगति है और इधर मिथ्या है। तो हमारे जितने गुण हैं, जो कि रजोगुण हो तमोगुण हो, और इन गुणों के साथ, और आप यह भी देखें कि ये जो हम पहुंच रहे हैं एक खास तरह का ये बोर्ड है, ये बल्कि हमें जीवन के खेल से, या कि हम जीवन जीना जो शुरू करते हैं, ये जो जीवन का खेल है, यह खेल खेल में जीवन कैसे जीना चाहिए शायद इसकी शिक्षा देता है। आपको किन किन जगहों या किन किन वो जो तत्व, कौन कौन से तत्व आपके भीतर रहेंगे, उनसे अधिक खतरे हैं, और उन खतरों को बड़े बड़े सांसों के तौर पर दिखाया गया है शायद, और कौन से गुण आपके भीतर रहेंगे। आप देखें सबसे बड़ी सीढ़ी जो है मेरा ख्याल है दया की है, सीधे 17 से शुरू होकर ब्रह्मलोक तक ले जाती है, मेरा ख्याल है इतनी बड़ी सीढ़ी इसमें कोई दूसरी नहीं है, देख लीजिए। इसके बाद अगर आपके भीतर वो परमार्थ का भाव होगा तो आप लोक में पहुंचेंगे, आपके भीतर सुधर्म का भाव होगा तो भी पहुंचेंगे, आपके भीतर जो है आप सीढ़ियों को देखें, इन सीढ़ियों में भी दो तरह की सीढ़ियां, सुविद्या की सीढ़ी आपको देखिए कहां ले जा रही है, रुद्र लोक में ले जा रही है। तो मुझे लगता है कि यह खेल जो है, जितना हमें रोचक लगता है या मनोरंजन के स्तर पर, मुझे लगता है उससे अधिक हमारे विचार को शायद दीप्त करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को। और मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ये बोर्ड मैंने देखा इस तरह से, वरना हम तो वही बस सांप और सीढ़ी का खेल जानते थे और उसमें नंबर रहता था, यहां नंबर या कि वो जो नंबर के ब्रैकेट हैं वो नंबर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये पूरा हमारा जो भारतीय एक तरह से प्रकृति जगत, बल्कि कि भारतीय विचार जगत, जन्म से लेकर गुणों से लेकर, आप देखेंगे गंगा यमुना सरस्वती है, हिंसा है, तमाम तरह के लोक हैं, सब कुछ है यहाँ। यानी एक शब्द में कहें तो यह पूरा बोर्ड जो है सृष्टि है, यह भूलोक है, और यह भूलोक से यात्रा जो शुरू हो रही है बैकुंठ तक, और बैकुंठ तक ले जाने की सीढ़ी जो है भक्ति है। आप कोई कह रहा था कि यह कर्म कर्म, मुझे लगता है कि शायद यह बोर्ड रेखांकित कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी जो बैकुंठ में आपको कौन सी सीढ़ी ले जाएगी, भक्ति की। लेकिन मैंने इस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है, मुझे लगता है बाकी बोर्ड भी बड़े रोचक हैं, खासकर जो आपने अभी अभी वो जो महाराष्ट्र वाला बोर्ड मुझे दिखाया, उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक सांप है और उस सांप के मुंह में औरत है और नरभक्षी लिखा हुआ है। ये बिच्छू और जी, वो बोर्ड है जिसमें बिच्छू है जी, जी, वहाँ पे उसके हाँ, मुंह में आप औरत है। और चलते चलते एक छोटी सी बात, मुझे लगता है जो मेरा भ्रम था जो कि दूर हुआ, कि क्योंकि सौभिक जी के कई आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के पाठक होंगे, इनके लेखों से जो गेम्स पर लिखते हैं परिचित होंगे, लेकिन यहाँ इनका पूरा व्याख्यान सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इनको अपने रिसर्च में महज अंग्रेजी जानने वालों की ही नहीं, मुझे लगता है एक हिंदी जानने वाले की भी बहुत जरूरत है। और ऋषि जी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि, और ये मैं बहुत सीरियस नोट पर कह रहा हूं, कि अगर इसको डिकोड करना है आपको, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इन शब्दों के, मैं आपकी कॉम्पिटेंसी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदी के कुछ टर्म से, टर्मिनोलॉजी से,
शायद हो सकता है, जो कि जिसे हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसी शब्दावलियाँ जो थियरीज की जो होती हैं, तो उसी तरह से ये खास शब्दावलियाँ जो हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही आपका महत्वपूर्ण काम है और हमें प्रतीक्षा रहेगी कि अगर यह काम, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जितना अंग्रेजी साहित्य के अध्येताओं के लिए काम का है उससे अधिक हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए है, और उससे भी अधिक जो भारतीय जनजीवन में रहने वाले लोग हैं। तो मेरी एक गुजारिश और होगी कि भले आपका काम अंग्रेजी में प्रकाशित हो, मूल काम, आप जरूर उसका अनुवाद यहाँ की भारतीय भाषाओं में, वो बांग्ला हो वो हिंदी हो, जरूर करें। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। वेद जी बहुत शुक्रिया। मुझे बस दो चीज़ें बताना था कि इस बोर्ड का हिंदी में तो आप देखा ही है, मराठी में भी देखा होगा शायद, और फिर हिंदी का जो पहले वाला जो ब्रज भाषा इसमें भी है बोर्ड का पर्सन, इसमें नेपाली में भी है। उसके लिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा ऑनरेबल डीन तनुजा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो वो शायद मुझे सहायता करे शायद पढ़ने के लिए। टिबेटन में है, मैंने अभी ढूंढ रहा हूँ किसी को जो टिबेटन पढ़ सकते है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन तो है आपको तो दिखाया, और बांग्ला तो आपने गोलोक धाम देखा, तो मैंने अभी डायरेक्टली बांग्ला जो बोर्ड है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और जो बुद्धिस्ट बोर्ड है उसको तो टिबेटन बोर्ड से ही मिला है, नेपाली से मिला है, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन और जर्मन ट्रांसलेशन भी है, वो क्या है उससे अभी काम कर रहा हूँ। अगर आई वेलकम opportunities to work with many more people on the Hindi boards, on the very different Hindi boards. Thank you very much. प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उपस्थित सौभिक जी, विभाग के शिक्षक वेद जी, ऋषि जी, अनिल जी, मुन्नी जी और सत्यदेव जी, साथ में विभाग के छात्र छात्राएं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, और विशेष रूप से ऋषि जी को भी धन्यवाद दें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम संभव हो पाया तो ऋषि जी के कारण ही संभव हो पाया। सौभिक जी ने जिस सारगर्भित जो सारगर्भित भाषण हमारे सामने रखा, इन चीज़ों से हम अवगत नहीं थे। हम तो बचपन से सांप सीढ़ी का खेल ही खेलते आए हैं, और इस खेल में हमारी संस्कृति छिपी हुई है ये हम जानते नहीं थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और पूरा जीवन चक्र, इन चीज़ों से या हमारी संस्कृति को हमारी ही भाषा में रखने के लिए सौभिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इनके रिसर्च का और भी क्षेत्र है, और हम यह उम्मीद करते हैं कि जिस तल्लीनता से उन्होंने हमें यह लेक्चर दिया, और भी लेक्चर हमें देंगे। फिलहाल इस लेक्चर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के तरफ से विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी तरफ से और विभाग के छात्र छात्राओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना है, अगले सप्ताह हमारे बीच डॉक्टर पी आई मुखर्जी होंगी।
द्वार को, और ये द्वार बृहस्पत द्वार को सच में बताना चाहूँगा, थोड़ी सी भी कम है कि आज बृहस्पत द्वार क्लासेस हैं, तो इधर उधर विद्यार्थी चले गए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले दो बार। बहुत बहुत कब तक? हाँ तो कुछ चाहिए।